हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है वेब ब्राउज़र। ओके, हम पिछले वाले वीडियो में हम होम पेज के बारे में देखे थे और उसके पिछले वाले वीडियो में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के बारे में देखे थे, जो कि नेटवर्किंग चैप्टर में आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना उससे हरी आने के बहुत चांसेस होते हैं। ओके, तो अभी के वीडियो में हम देखेंगे वेब ब्राउज़र और आगे और भी इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये वेब ब्राउज़र और सिंपली ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र को सिंपली ब्राउज़र भी बोलते हैं। ओके, ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन होता है यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। ब्राउज़र क्या होता है, ये इसका पहला पॉइंट लिखेंगे हम, इसको ये क्या होता है। ओके, वेब ब्राउज़र और सिंपली ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र एक सिंपली ब्राउज़र होता है, इज़ एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन होता है टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट एंड वेब पेजेस। जो हम वेबसाइट यूज करते हैं या विजिट करते हैं, सर्चिंग करते हैं कुछ भी गूगल क्रोम या फायरफॉक्स से, तो वेबसाइट और वेब पेजेस को विजिट करने के लिए और देखने के लिए कि उधर क्या है, इंफॉर्मेशन डेटा है, उसको देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र को यूज करते हैं, एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र को यूज करते हैं, ब्राउज़र को यूज करते हैं। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द वेब पेजेस इज रिटन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल HTML। पिछले वाले अगर वीडियो में आप देखे होंगे तो मैं उधर बताया था कि वेब पेज किधर से मतलब राइट होता है, किधर से बनाया जाता है, HTML के सहायता से, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोडिंग का लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, वेब पेजेस इज रिटन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल HTML। ओके, ब्राउजर ट्रांसलेट दिस सो दैट वी कैन रीड इट इजीली। ये HTML वाला जो लैंग्वेज होता है ये किसके सहायता से मतलब ट्रांसलेट होता है, हम तो ये डायरेक्टली पढ़ नहीं सकते ना, तो ब्राउजर के सहायता से ये ट्रांसलेट होता है। ओके, इसीलिए हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। सो ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन होता है, या कुछ आप सिंपली आप बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। यूज टू लोकेट रिट्राइव एंड डिस्प्ले कॉन्टेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है, लोकेट मतलब आइडेंटिफाई करता है या ढूंढता है किसको, डेटा को और इन्फॉर्मेशन को, हम जो भी सर्च करते हैं गूगल क्रोम पे। रिट्राइव मतलब उस डेटा को हमारे पास लेके आता है, उसके पास लेके आता है और डिस्प्ले करता है किसके सहायता से, HTML का जो रीडिंग साइट होता है उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है और हमको डिस्प्ले करके दिखाता है कि कंटेंट में क्या चीज़ है और हमारी जानकारी का क्या कैसा चीज़ है, हमको जो जानकारी चाहिए उसी टाइप का चीज़ है या नहीं, ये डिस्प्ले करता है ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। किधर से लाता है ये सारी की इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW से मतलब पूरे के पूरे इंटरनेट के वर्ल्ड से। ओके, तो हो गया ये ब्राउजर किसको बोलते हैं और क्या देखेंगे अभी, मतलब जो इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर जो अभी के चल रहे हैं मार्केट में देखेंगे। ओके, तो पहला एग्जांपल वेब ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम। ये तो काफ़ी सारे पॉपुलर है, आप तो सभी लोग यूज़ करते होंगे। एप्पल सफारी एक है, ओपेरा मिनी था एक, अभी ये यूज भी होता है या होता है थोड़ा थोड़ा पर था एक उसके टाइम पे, ओपेरा मिनी बहुत फेमस था। ओके, और फायरफॉक्स अभी तो चल रहा है फायरफॉक्स, और एज जो होता है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ना उसी से मॉडिफाई करके एज बना दिया गया है। ओके, नया नया आया है, काफ़ी अच्छा है, यूज कर सकते हो आप भी। ओके, तो ये हो गया वेब ब्राउज़र के बारे में शॉर्ट नोट। और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी सारे और भी इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट पाने के लिए। ओके, तो थैंक यू।